Hello friends, welcome to your creative channel. I am Ekta and I love to share DIY art and craft related videos with you all in budget. So let's start the video. यहाँ पर मैंने POP की डॉ ली है और इसे किस तरह से हम बना सकते हैं परफेक्टली आप ऊपर आई बटन में ज़रूर जा कर के देखें, उसका लिंक मैंने वहाँ पे शेयर कर दिया है। तो अब मैं इसकी छोटी छोटी इस तरह से बॉल्स ले लूँगी और इसे एक सिलेंड्रिकल शेप में लेते आऊँगी। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, ये थोड़ी इरेगुलर है तो इसे अच्छी तरह से यूनिफॉर्म बनाने के लिए मैंने एक हार्ड पेपर का यूज़ किया है। तो देखिए ये यूनिफॉर्म हो गई है। तो इसी तरह से मैं सारे बॉल्स को यूज़ कर लूँगी और जिस तरह से एक रेनबो की आकार होती है, क्योंकि यहाँ पर हमारा एक कलरफुल ज्वेलरी बनने वाला है, तो इसे हम इस तरह से रख लेंगे और ये ऑटोमेटिक खुद से पेस्ट हो जाएगी। हमें यहाँ पे कोई भी फेविकॉल की ज़रूरत नहीं है। तो इसे हम इस तरह से करके एक स्केलिंग करते हुए काट लेंगे। तो ये हमारा पैटर्न बन गया है। अब एक पिन की हेल्प से हम इसमें इंसर्ट कर लेंगे अंदर की ओर से बीच में, ताकि इसे हम लास्ट में हैंग कर सके अपने चेन में। तो ये हमें इजी टू वेयर भी हो जाएगी और इस तरह से मैंने इसे सपोर्ट दे दिया है ताकि ड्राई होने के बाद कुछ प्रॉब्लम ना हो। और फिर मैं क्लाउड्स बनाऊंगी, तो इससे आप इयररिंग भी बना सकते हैं सेम पैटर्न की, या फिर आप इस तरह से थोड़ी सी और इसमें डिटेलिंग ऐड कर सकते हैं, तो ये काफ़ी खूबसूरत लगती है। सेम डॉग की हेल्प से मैंने यहाँ पे राउंड सर्कल्स बना लिए हैं बॉल्स उसकी, और इसे पिन में इंसर्ट कर रही हूँ ताकि अटैचमेंट के टाइम पे ये ज़्यादा खूबसूरत लगे। तो यहाँ पर ये थोड़ी सी क्रैक हो गई थी, तो मुझे डर लग ही रहा था कि ये कहीं लास्ट में टूट ना जाए, लेकिन फिर भी मैंने रिस्क लिया है और फिर इसे इस तरह से टर्न करते हुए इसमें भी इंसर्ट कर लूँगी फॉर अ बेटर अटैचमेंट। और इसके बाद इसमें बेस कोट दे लिया है। यहाँ पर मैंने एक्रेलिक पेंट का यूज़ किया है, आप चाहे तो जेसो का भी यूज़ कर सकते हैं। अब इसे मैं अच्छी तरह से ड्राई कर लूँगी सारे पीसेस के ऊपर में करके, और इसके बाद मैंने यहाँ पे कुछ कलर्स बनाए हैं एक्रेलिक कलर से ही। मैंने जो मेन कलर होती हैं उनमें थोड़ी सी वाइट ऐड कर दी है और इस लाइट कलर को फिर बनाया है। तो इसी तरह से हम अपने फेवरेट कलर्स इसमें ऐड कर सकते हैं। आप चाहे तो इसमें वाइब्रेंट कलर्स जो होते हैं एक्चुअल रेनबो में, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं, वो भी बहुत अच्छी लगती हैं। तो यहाँ पर मेरा ये पार्ट कम्प्लीट होता है। अब क्लाउड्स को मैं एक एक करके कर लूँगी। इस तरह की क्यूट हैंडमेड ज्वेलरी बच्चों को बहुत पसंद आएंगी। मैं खासकर ये अपनी डॉटर के लिए बना रही हूँ, इसलिए यहाँ पर इमोजी भी डाल दी है। अगर आपको यहाँ तक का प्रोसेस ज़रा भी पसंद आया हो फ्रेंड्स, तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। और अगर आपको इस तरह की क्यूट DIY पसंद है तो एक पिंक हार्ट ज़रूर दीजिएगा। इससे मुझे काफ़ी मोटिवेशन मिलती है कि मैं आपके लिए आगे और क्या क्या ला सकती हूँ। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, अब ये कंप्लीट हो चुका है। तो इसकी कॉर्नर्स में मैं गोल्डन कलर का यूज़ कर रही हूँ और पूरे में डाल करके फिर इसे भी अच्छी तरह से ड्राई कर लूँगी। लास्टली मैं इसके ऊपर में ग्लॉसी वाली वार्निश ऐड कर रही हूँ। तो आपको कैसी लगी ये पूरी वीडियो मुझे कमेंट में ज़रूर लिख करके बताएं, और अगर पसंद आई हो और आगे भी आप इस तरह की वीडियो देखना चाहते हो तो नोटिफिकेशन बेल आइकन के साथ साथ सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको कोई भी वीडियोस मेरी मिस ना हो। तो मिलते हैं जल्दी ही फ्रेंड्स, अंटिल देन टेक केयर, गुड बाय एंड स्टे ब्लेस्ड।